यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, डिनर सेट देने में अधिकारियों ने कर दिया बड़ा खेल। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत घपले के संकेत मिले हैं, जिसमें लाभार्थियों को डिनर सेट मानक के अनुसार नहीं दिए जाने की रिपोर्ट जिला स्तरीय परीक्षण समिति ने मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी है, जिसके बाद आपूर्तिकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल समाज कल्याण विभाग के द्वारा पिछले महीने अलग अलग स्थान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत चंदौसी, संभल और गुन्नौर के अलावा बहजोई में भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करते हुए लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया गया था, जिसके अंतर्गत 35,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है और 10,000 रुपए की सामग्री जिसमें डिनर सेट और अन्य घरेलू सामग्री होती है, जबकि 6,000 रुपए की धनराशि विवाह कार्यक्रम संपन्न करने के लिए प्रत्येक जोड़े पर खर्च की जाती है। वजन निकला कम, परियोजना निदेशक DRDA के निर्देशन में काम करने वाली जिला स्तरीय परीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी है और उसमें आरोप लगाया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संपन्न कराए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लाभार्थियों को डिनर सेट कम वजन का दिया गया है। इसमें दावा किया गया है कि डिनर सेट 8 किलोग्राम के वजन का होना चाहिए था, लेकिन जांच में पाया गया कि उसका वजन 4.5 किलोग्राम निकला है। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले में समाज कल्याण विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं और संबंधित फर्म से कटौती करते हुए भुगतान करने को कहा है। हालांकि अभी ये मामला सिर्फ कागजों में ही घूम रहा है। CDO के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत ये गड़बड़ी करीब 400 लाभार्थियों को प्रदान किए गए डिनर सेट में सामने आई है, जिन्हें तत्कालीन प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी और जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण ने संपन्न कराया था। हालांकि अब वे पूरे मामले से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी तेरेश कुमार ने कार्यभार संभाला है, जिन्होंने इस मामले में जांच कर कार्यवाही का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करीब 400 लाभार्थियों को जो डिनर सेट प्रदान किया गया है, उसका वजन मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इसकी रिपोर्ट परीक्षण समिति की ओर से प्राप्त हुई है। इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कटौती करते हुए भुगतान किया जाए।